नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार है तो हमने चैनल से जुड़े घंटे के बटन को ऑन कर दिया, जिससे कोई भी अगर बड़े अपडेट नहीं दोस्तों मैं आपको सबसे पहले अपडेट करा दूं। दोस्तों, आज हम रेलवे अग्नि पाइथन जन सर की जो बुक है दोस्तों, उसमें 4000 प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे जो 2018 से अब तक क्वेश्चन पूछे गए, जैसे एनटीपीसी, एएनपी, टेक्नीशियन, जेई, आरटीओ, पैरामेडिकल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसमें टॉपिक वाइज संख्या पद्धति टॉपिक लिया है, तो हमने इसका टॉपिक फर्स्ट लिया। मैं इसमें आपको टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब क्या करना है, अगर आप चैनल पहली बार आए तो आप चैनल से जुड़े घंटे प्रिपरेशन को ऑन कर दें, जिससे मैं कोई भी इस बुक से आपकी टॉपिक वाइज क्लास ना तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो क्योंकि मैं इस बुक का संपूर्ण हल कराने वाला हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, चलो टाइम ना वेस्ट करके वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो संख्या पद्धति, इसका टाइप फर्स्ट लिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? उसका सही आंसर है वह 2। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, सही आंसर है इसका A। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बताओ दोस्तों? क्या 2 होती है या 4 या 6? अब देखो दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? दोस्तों, उसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या वह है 4, क्योंकि दोस्तों अभाज्य संख्या 2 तो दोस्तों अभाज्य संख्या सबसे छोटी है, लेकिन जो भाज्य संख्या वह है 4। ठीक है दोस्तों, उसका सही आंसर है दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा देखते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं और जीरो कहलाती है। यानी दोस्तों, जो सभी प्राकृत संख्याएं और जीरो क्या कहलाती है? दोस्तों, जो सभी प्राकृत संख्याएं का आंसर होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है? जैसे दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, ये दोस्तों सभी प्राकृत संख्या होती है। इसमें बोलते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं और जीरो, अगर हम दोस्तों उसमें जीरो को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी संख्या? ये बन जाएगी दोस्तों पूर्ण संख्या। क्या दोस्तों, क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, 811, 317, 817 और 313, इसमें कोई अभाज्य संख्या कौन सी है? इनमें में से कौन सी अभाज्य संख्या है दोस्तों? वो संख्या अभाज्य जो नहीं कटनी पूरी, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इस पर है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए रुकना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये पूछ रहा है सभी प्राप्त, ये क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? इन दोस्तों, जो अभाज्य नहीं, यानी कि ये भाज्य पूछ रहा है, वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब देखो दोस्तों, सब दिया है 811, 317, 817 और 313। दोस्तों देख लेना, जो अभाज्य है यानी कि भाज्य संख्या, आप देख लो, आपको 811 दोस्तों, 811, 317, 817, 313। अब इसको आप भाग करके देख ले दोस्तों, ये तो नहीं कट रही है किस संख्या से। क्या दोस्तों, आगे देखते हैं, 7, 6, 12, ये दोस्तों नहीं कट रही है किस संख्या से, ये भी दोस्तों नहीं कहते, तो सही आंसर इसका 21 से कट गया दोस्तों, 19 से कट गया। देखो दोस्तों, 817 19 से भाग देंगे सर, 1976, 5 और 7, 19 दुना 19 दिया 57, 50 यानी दोस्तों पूरी पकड़ के 43 हो सकता है। तो जो सही आंसर है जो 817, ये
ये 19 से कुल्पी कट रही है। ठीक है दोस्तों, चलो आप देखते हैं इसके बाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। देखो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या पूछ रहा है। देखो दोस्तों अगर आप ऐसा गिनेंगे 50 से कम अभाज्य संख्या तो आपको टाइम लगेगा। दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, ट्रिक बताता हूं, आप उसको याद कर ले। आप 50 से कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं, ये देखो दोस्तों जो इसकी ट्रिक है, डी डी बी बी सी डी ए डी डी बी बी सी डी ए ए सी सी बी ए। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आप इस कोड लिख देखो, इस माप को बताता हूँ मैं। दोस्तों जो उसमें अभाज्य संख्या है जो बी है, यानी कि 4 4 2 2 3 4 2 3 2 और ए। दोस्तों एक और देखो दोस्तों, जो 1 से 10 तक होते हैं कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4। जो 11 से 20 तक होते हैं उसमें होती है 4। उसके बाद दोस्तों जो 21 से 30 तक होते हैं उसमें होती है 2 संख्या अभाज्य। जो 31 से 40 तक होती है उसमें 2 होती है। उसके बाद दोस्तों जो 41 से 50 तक होती है उसमें 3 होती है। जो 51 से 60 तक होती है उसमें 4 होती है अभाज्य संख्या। दोस्तों जो 61 से 70 तक होती है उसमें 2 अभाज्य संख्या होती है। जो 72 से 80 तक होती है उसमें 3। जो 83 से 90 तक होती है उसमें 2। और दोस्तों जो 91 से 100 तक होती है उसमें होती है 1 अभाज्य संख्या। अभी दोस्तों क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 50 से कम अभाज्य संख्या की कुल कितनी संख्या है, यानी कि वो दोस्तों पूछे 50 से कम। ठीक है दोस्तों, तो हम पूछना 50 से कम, ये दोस्तों 50, यानी कि ये है ना दोस्तों, इससे कम पूछनी है अभाज्य संख्या कितनी है। तो आप यहां से जोड़ लें, ये देखो दोस्तों, यानी 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, जोड़ लो दोस्तों, 4 4 8 8 10 8 12 15। दोस्तों कितनी है 50 से कम अभाज्य संख्या, टोटल 15। जो इसका सही आंसर है तो 15। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप इसको एक बार नोट कर लें। एक और आपको कोई भी आप अभाज्य संख्या निकालने को आपके याद आएगा। ठीक है दोस्तों, 100 तक। चलो आगे देखते हैं, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये याद है दोस्तों, 103 107 101 और 109। दोस्तों भैया 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दोस्तों लेकिन दिख रहा है 3 अंकों सबसे छोटी अभाज्य, 103 बड़ा है, 107 109। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, 3 अंकों की 101। जो इसका सही आंसर है ये। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक अभाज्य संख्या में दोस्तों जो अभाज्य संख्या होती है क्या होता है, स्वयं और एक से विभाजित होती है। दोस्तों जो एक अभाज्य संख्या माने 3 है, किससे कटेगी, या तो एक से कटेगी या फिर यह 3 से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों जो अभाज्य संख्या होती है वो या तो स्वयं से कटेगी या फिर एक से कटेगी और इससे अलग किससे नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, यानी दोस्तों विषम भाज्य संख्या। दोस्तों जो ऑप्शन दे रखे हैं 13 17 12 और 15। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो तो विषम अभाज्य संख्या है। ये दोस्तों देखो 13 है, विषम है, अभाज्य है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य नहीं देखनी है, ये दोस्तों ये किसी से नहीं कटती, तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि इतना क्वेश्चन लोग ध्यान से पढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या, यानी दोस्तों विषम होनी चाहिए वो और भाज्य होनी चाहिए। देखो दोस्तों 17 है, विषम तो है लेकिन भाज्य नहीं है। उसके बाद दोस्तों 12 है, दोस्तों ये भाज्य तो है लेकिन ये विषम नहीं है, क्योंकि 12 है, 12 क्या होती है, सम संख्या होती है। उसके बाद दोस्तों 15, देखो ये विषम भी है और भाज्य है, इसलिए 5 से कट रही है ये,
तीन से कट रही है वो, एक से कट रही है और स्वयं से कट रही है। ठीक है दोस्तों, पांच से पंद्रह, तीन पंजे पंद्रह, एक से पंद्रह पंद्रह। ठीक है दोस्तों, जो जो सही आंसर है वो पंद्रह, दोस्तों विषम है और भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, उसका सही आंसर है पंद्रह। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको कोड बताया था, आपको उसमें एक बार दोबारा होते, एक बार दोबारा फिर क्वेश्चन आ गया। 20 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? देखो दोस्तों, एक बार आप दोबारा समझ लो इसको। डी 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 बी सी बी डी सी बी और ए। तो दोस्तों मैंने कोड लिखा है, आप एक बार इसको ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट कर ले, ये आपकी बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो डी का कोड होता है वो चार, फिर डी का चार, फिर बी का दो, फिर बी का दो, सी का जो कोड होता है तीन, बी का दो, डी का क्या चार, सी का तीन, बी का दो और ए का एक। और देखो दोस्तों, जो ये एक से दस तक होती है, इसमें ग्यारह से बीस तक होती है, इसमें इक्कीस से तीस तक होती है, इसमें इकतीस से चालीस तक होती है, इसमें इकतालीस से पचास तक होती है, इसमें इक्यावन से साठ तक होती है, इसमें इकसठ से सत्तर तक होती है, उसमें इकहत्तर से अस्सी तक होती है, इसमें इक्यासी से नब्बे तक होती है, इसमें दोस्तों इक्यानवे से सौ तक होती है। अब इसमें क्वेश्चन देखो आप, दोस्तों 20 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? 20 से 80 के बीच नहीं दोस्तों, 20 का है, देखो दोस्तों ये 20, 20 से और 80 के बीच 80 का है दोस्तों, इसमें ये दे रखा है 80, ये दोस्तों। अब आप इसको जोड़ ले, 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3, ये दोस्तों 20 से 80 देखो दोस्तों, 20 यानी 21 हो गया, और उसके बाद दोस्तों 80 यानी कैसे होता है, हम कांटे लेंगे 80 तक लेंगे, क्योंकि 20 से 80 के बीच पूछ रहा है। अब जोड़ दो, 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9, 2 और 4 13, 13 और 3 16, तो कितने हो टोटल दोस्तों, ये भी 16। अब क्वेश्चन नंबर 20 से 80 में कितनी अभाज्य संख्या दोस्तों, कितनी है 16, तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा सहभाज्य संख्या बनाता है? ये दोस्तों सहभाज्य संख्या बनाता है, ये देखो दोस्तों, इसमें देखते हैं 12 और 17, 12 और 7, 21 और 42, 43 और 129 और 3 और 9 सहभाज्य संख्या बनाता है। इन दोस्तों जो ये देखो, इसका एलसीएम 1 है, बारह और सत्रह इनका दोस्तों एलसीएम एक, यानी दोस्तों स्वयं से कटेंगे, या तो एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, जो उसका सही आंसर है दोस्तों ए, यानी कि बारह और सत्रह नहीं सात, सॉरी दोस्तों बारह और सात, जो दोस्तों उसका सही आंसर है वो है फर्स्ट। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, आज हमने संख्या भेजे टोटल 10 क्वेश्चन करे है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक जरूर लें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। हम नेक्स्ट पार्ट में आपको जल्दी लाएंगे, आप चैनल से जुड़कर घंटी बटन ऑन कर दें, क्योंकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो आपके पास उस पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।